नमस्कार, मीडिया हलचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हिमांशु यादव। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और लखनऊ की कैंट विधानसभा सीट, जहां पर उपचुनाव की धमक देखने को मिल रही है। तमाम राजनीतिक दल जोर आजमाइश लगा रहे हैं ताकि जीत की राह को आसान किया जाए, और ऐसे में मायावती भला पीछे कैसे रह सकती हैं। पहली बार उपचुनाव में किस्मत मायावती आजमा रही हैं और अरुण द्विवेदी को यहां पर उन्होंने उम्मीदवार घोषित किया है। अरुण द्विवेदी के जरिए मायावती अपनी सोशल इंजीनियरिंग को एक बार फिर धार देने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि वो बात अलग है कि 1989 से लेकर 2017 तक के विधानसभा चुनाव में कभी भी बीएसपी को लखनऊ कैंट विधानसभा सीट पर जीत का स्वाद चखने को नहीं मिला। वो बात वो भी अलग है कि 2007 में मायावती की यहाँ पर लहर देखने को मिल रही थी और उन्हें लग रहा था कि यहाँ पर वो जीत का परचम लहरा लेंगी, लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी वो वहां पर सिर्फ और सिर्फ दूसरे नंबर पर रह गई थी। कभी तीसरे नंबर पर, कभी चौथे नंबर पर, और 2007 में दूसरे नंबर पर मायावती की पार्टी के उम्मीदवार जो थे वो लखनऊ कैंट विधानसभा सीट पर रह गए थे। मायावती यहां पर क्यों फेल होती रही हैं, उनकी पार्टी को यहां से जीत क्यों नहीं मिली है, वो एक बड़ा सवाल है। राजनीतिक विश्लेषकों की अगर माने तो यहां पर उनका मानना ये है कि मायावती उम्मीदवार तो उतार देती हैं मैदान में, सोशल इंजीनियरिंग को धार भी देने की कोशिश करती हैं, लेकिन मतदाता क्या चाहते हैं वो नहीं परख पाती, और इसी के चलते लखनऊ की कैंट विधानसभा सीट पर मायावती को कभी जीत नहीं मिल पाई। मायावती अक्सर कोशिश करती हैं कि यहाँ पर जीत मिल जाए और उसके लिए वो तमाम तरीके के हथकंडे भी अपनाती हैं, उम्मीदवार भी ऐसा चुनकर लाती हैं जिसके जरिए वो दलित और सवर्ण वोटर्स को लुभाकर अपने पाले में कर सकें, लेकिन हर फॉर्मूला उनका यहाँ पर फेल हो जाता है। और राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो मायावती के लिए कैंट विधानसभा सीट एक पनौती की तरीके से है कि वो कुछ भी कोशिश कर लें, कितनी भी बड़ी रणनीति बना लें, लेकिन वो कभी यहाँ पर जीत नहीं पाती। चाहे वो कोई भी चुनाव ले लो, 1993, 1991, 2012 का चुनाव ले लो या फिर अन्य चुनाव ले लो, हर चुनाव में उनका उम्मीदवार तीसरे और चौथे नंबर पर रहा है। सिर्फ 2007 का जब चुनाव हुआ था तब मायावती की लहर थी, तब उनका उम्मीदवार दूसरे नंबर पर पहुंच सका था, लेकिन जीत तब भी नहीं मिली। अब उपचुनाव में एक बार फिर मायावती ने यहां पर दावेदारी ठोकी है और तैयारियों में जुटी हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस बार भी मायावती की नैया डावाडोल है, यहां पर हाथी वो रफ्तार नहीं भर पाएगा जिसकी कोशिश मायावती कर रही है। अब राजनीतिक विश्लेषकों का दावा सही साबित होगा या फिर मायावती की सोशल इंजीनियरिंग सही साबित होगी, वो आने वाले चुनाव नतीजे बताएंगे। फिलहाल हमारी ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।